दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर फिल्मों की क्रॉसओवर कराने और इन मूवीज का एक यूनिवर्स बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिसका बड़ा ही सिंपल रीजन है खूब सारा पैसा। दरअसल स्त्री रूही और भेड़िया के बाद डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने समांथा रूथ प्रभु और आयुष्मान खुराना को लेकर अब अपनी नेक्स्ट मूवी वैम्पायर की अनाउंसमेंट कर दी है और बताया जा रहा है कि ये फिल्म भी स्त्री भेड़िया मूवी की यूनिवर्स का एक पार्ट होगी। अब ये कैसी यूनिवर्स है जिसमें वैम्पायर भेड़िया के साथ एक भूत भी एग्जिस्ट करता है, यही इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी होगी। अभी कुछ समय पहले की बात है जब अमर कौशिक और दिनेश विजन ने जियो बैनर के तले अपनी अपकमिंग मूवी स्त्री 2 और भेड़िया 2 की अनाउंसमेंट भी की थी। अब एक साथ अमर कौशिक इतनी सारे प्रोजेक्ट की कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऑडियंस इनकी फिल्मों को एंजॉय जरूर कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में काफी ज्यादा अच्छी कमाई भी कर रही है। जहां 15 करोड़ की बजट वाली स्त्री ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, वहीं 40 करोड़ की बजट में बनी भेड़िया ने भी 80+ करोड़ का बिजनेस किया था। यही कारण है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स एक यूनिवर्स को तैयार करके बॉक्स ऑफिस से अच्छी कमाई करना चाहते हैं और एक ही यूनिवर्स की मूवीज होने के चलते फिल्म की अच्छी ओपनिंग भी लग जाती है। और सिर्फ यही डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं है जो कि ऐसा कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले रोहित शेट्टी, YRF और साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी आजकल मेगा सुपरस्टार को लेकर अपनी मूवीज और उनके यूनिवर्स की डेवलपमेंट में जुटे हुए हैं। अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि ये मूवीज फ्यूचर में कितनी सफल हो पाती है। लेकिन गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।